पांच महीने तक यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद देश के टॉप रेसलर्स ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पहलवानों ने कहा है कि वो इस लड़ाई को सड़क पर नहीं कोर्ट में जारी रखेंगे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया से भी ब्रेक लेने की बात कही है। इन पांच महीनों में पहलवानों के इस प्रदर्शन में बहुत कुछ हुआ। कई आरोप पहलवानों ने लगाए, उन पर भी कई आरोप लगे। पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया, डिटेन किया गया। नौबत यहां तक आ गई थी कि पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने तक चले गए थे। लेकिन यौन उत्पीड़न जैसे संजीदा मामले को लेकर ये जो प्रोटेस्ट था उसे डिमीन करने की भी कई कोशिशें की गईं। आज एनसी डिकोड्स के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पहलवानों के इस प्रदर्शन में क्या क्या कब कब हुआ। यह है रेसलर्स प्रोटेस्ट की टाइमलाइन। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार की 50 रुपए और महंगा बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि मूवमेंट का करंट स्टेटस क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह पर 15 जून को चार्जशीट दायर हो चुकी है, पर गिरफ्तार उनको अभी भी नहीं किया गया है। आईपीसी की धाराओं 354, 354 डी, 354 ए और 506 पार्ट 1 के साथ चार्जशीट दायर की गई है। पॉक्सो यानी नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है और कहा है कि उन्हें इसके सबूत नहीं मिले। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पॉक्सो एक्ट क्या है ये आप न्यूज क्लिक की इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं जनवरी 18, 2023 से। इस दिन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर अपना धरना शुरू किया। आरोप था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। 19 जनवरी को पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। ये बातचीत लगभग 5 घंटे तक चली, मगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 20 जनवरी को पहलवान अनुराग ठाकुर से फिर से मिले। इसके बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच की जाएगी। सरकार ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा था। इसके बाद 23 जनवरी को एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसकी हेड थी बॉक्सर मैरी कॉम। इस कमेटी को 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी। पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उनसे कंसल्ट नहीं किया कि कमेटी में कौन लोग होंगे। इस बीच WFI ने इन आरोपों को खारिज किया। 23 फरवरी यानी 1 महीने बाद कमेटी को 2 हफ्ते का समय और दिया गया। कट टू 21 अप्रैल 2023। इस दिन पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, मगर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद 23 अप्रैल को कमेटी बनने के 3 महीने बाद पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए, और ये धरना लंबा चलने वाला था क्योंकि इस बार पहलवानों ने तैयारी पूरी की थी। पहलवानों का कहना था कि 3 महीने बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है, ना ही पुलिस ने FIR दर्ज की है, इसलिए वो धरना फिर से शुरू कर रहे हैं। 24 अप्रैल को सरकार ने WFI को भंग कर दिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कहा कि वो 45 दिन के अंदर WFI अध्यक्ष का चुनाव करवाए। ये चुनाव जुलाई में होने वाले हैं। पहलवानों ने FIR दर्ज ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि वो FIR दर्ज करने जा रही है, और पहलवानों की शिकायत के 7 दिन बाद बृजभूषण पर 2 FIR दर्ज की गई। पहलवानों ने इसे अपनी जीत की तरफ पहला कदम बताया था। दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी, जिसमें से एक मामला पॉक्सो का भी था। इसके बाद 5 मई को पहलवानों के बयान दर्ज किए गए। 11 मई को बृजभूषण के बयान दर्ज हुए। इस दौरान भी प्रदर्शन जारी था, और ये प्रदर्शन जनवरी जैसा नहीं था। जनवरी में पहलवानों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी, खाप पंचायत या किसी अन्य संगठन से समर्थन लेने से मना कर दिया था, मगर अप्रैल से लेकर मई तक उनके प्रदर्शन को किसान संगठन, खाप पंचायत, तमाम विपक्षी दल, महिला छात्र संगठनों का समर्थन मिला और पहलवानों ने इसका स्वागत किया। लेकिन इसके साथ ही BJP नेता और दक्षिणपंथी समूह लगातार पहलवानों पर सवाल उठा रहे थे। PT उषा ने भी ये तक कह दिया था कि ऐसे प्रदर्शनों से देश का नाम खराब होता है। पहलवान लगातार यही कह रहे थे कि जनवरी में उनके साथ राजनीति की गई थी। इसकी वजह यह हो सकती है कि मध्यस्थता कराने के लिए रेसलर बबीता फोगाट आई थी, जो कि BJP की सदस्य हैं। पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। ये भी कहा कि उनको सब जानकारी थी कि बृजभूषण ने क्या क्या किया है। पहलवानों ने इस दौरान इंडिया गेट पर कैंडल मार्च किया, बंगला साहिब, हनुमान मंदिर, CP तक गए और लोगों को अपनी मांगों के बारे में बताने की कोशिश की। फिर आई तारीख 28 मई की, जो कि भारत ही नहीं दुनिया के खेल, राजनीति और महिला आंदोलन के इतिहास में ताजिंदगी
एक काला दिन बनकर रहेगी। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन था। इसी दिन पहलवानों ने ऐलान किया कि वो नई संसद के बाहर महिला सम्मान महापंचायत करेंगे और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मगर जहां नई संसद के उद्घाटन में उनका आरोपी तस्वीरें खिंचवा रहा था, वहीं ये पहलवान जंतर मंतर पर घसीटे जा रहे थे। उनके सम्मान को पुलिस वालों के बूट तार तार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों को और वहां मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया। अलग अलग थानों में उनको ले गए और शाम होते होते जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। पहलवानों पर केस भी दर्ज किए गए। पहलवानों पर इस दमन की निंदा देश ही नहीं विदेश तक में हुई। विनेश फोगाट ने डिटेन होकर जाते हुए कहा था कि नया देश मुबारक हो। 30 मई को पहलवानों ने ऐलान किया कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे और वो ये करने हरिद्वार तक पहुंच गए, मगर किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया। 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह पहलवानों से देर रात को मिले, मगर उस बातचीत में क्या हुआ ये नहीं बताया गया। इसके बाद 7 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिले और पहलवानों ने सरकार से आश्वासन लेकर अपना प्रदर्शन वहां खत्म कर दिया। सरकार ने 15 जून तक मामला खत्म करने का आश्वासन दिया था। 15 जून को चार्जशीट दायर हुई थी, लेकिन इसमें से पॉक्सो का मामला हटा दिया गया था। वजह थी कि माइनर लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया। पहलवानों ने यह भी कहा कि उनके पिता को डराया गया है। चार्जशीट के बाद अब पहलवान एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले हैं। IOA ने इन 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट भी दी है। पहलवानों ने इस बीच एक से ज्यादा बार ऑनलाइन वीडियो जारी करके या लाइव आकर अपनी बात रखी है। कई लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन 5 महीनों में शायद इन पहलवानों में भी काफी कुछ बदला है। ये वो पहलवान थे जो नरेंद्र मोदी के खुले समर्थक थे, मगर आज ये पहलवान ये कहते हैं कि ये सरकार किसान, छात्र, नौजवान, मुसलमान, महिलाओं पर दमन करती है। न्यूज़क्लिक ने आपको इस दौरान पहलवानों के आंदोलन की हर छोटी बड़ी अपडेट्स दी हैं। हमने बलाली यानी दंगल वाली फोगाट बहनों के गांव जाकर भी रिपोर्टिंग की। आप वो सब वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो सारी खबरें भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये थी रेस्टलेस प्रोटेस्ट की टाइमलाइन। मेरा नाम है सत्यम। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए newsclick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।